आज कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के छात्रों ने जयपुर के राजस्थान अधीन एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड के कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में कुल पदों को लेकर मांग उठाई और जमकर नारेबाजी की। साथ ही RSMSSB बोर्ड के अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। आज आप सब लोग यहाँ पर आए हो तो आपकी मुख्यतः क्या मांग है और कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर थोड़ा आप बताइए। सर ऐसी बात है, इसमें हम एग्जाम कंडक्ट हुई थी अपनी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की, उसमें पूरे पद थे 10,157 और उसमें से कुछ 7,000 के आसपास बच्चे पास हो रहे हैं, बाकी सीटें खाली रह रही है। हम बोर्ड आए थे आज ज्ञापन देने के लिए कि जैसे भी हो हमें शिथिलता दे के हमारी पूरी सीटें 10,157 सीटें भरी जाए। इसमें सर थोड़ा विवरण मैं आपको बता दूँ, इसमें जो सारी कैटेगरी है उसमें सीटें खाली है। हमने हरिप्रसाद जी को ज्ञापन दिया था अभी, बोर्ड अध्यक्ष जो है, तो उन्होंने बताया कि सारी कैटेगरी में सीटें खाली रह रही है। बाकी जो टीएसपी एरिया है उसकी लगभग पूरी ही सीटें खाली है, जो 888 पद है लगभग वो सारे ही पद खाली है, क्योंकि जो 196 पदों पर जो अभ्यर्थी पास अभी दिखा रहे हैं वो लोग वो जनरल में भी काउंट है, तो इस तरीके से टोटल 40% से ज़्यादा सीटें खाली रह रही है। तो हमारी सरकार से मांग है कि सारे पदों को शिथिलता दे के भरे जाए। और बोर्ड ने हमें बताया है, बोर्ड अध्यक्ष जी ने हमें बताया है कि इसमें जो भी कार्यवाही होगी आगे की सरकार करेगी, सरकार से अगर आदेश आएगा तो बोर्ड का पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहेगा। धन्यवाद सर। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अध्यक्ष साहब ने ये कहा है कि सारी कैटेगरी में मतलब सीट खाली है, तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो उनको भर सकती है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ गहलोत साहब से और शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला जी से यही निवेदन है कि जब बोर्ड अपने एंड पे एग्री है इस चीज़ को करने के लिए, तो आप एक इनिशिएट लेके और जितनी भी सीट खाली है वो सारी की सारी भरो, जिससे जो भी बंदे हैं उनको सबको रोजगार मिल सके। हम ये चाहते हैं कि पहली बार राजस्थान में भर्ती आई है तो इसमें पद खाली नहीं रहे, सारी सीट भरी जाए। हम ये नहीं चाहते कि हमारा सिलेक्शन हो, बस सीट पूरी पूरी भरी जाए, ये हमारा बस रिक्वेस्ट है। ये सब अब सरकार के एंड पे है, सरकार इस चीज़ को नहीं चाहती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।